हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक दैट इज मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट इज लैंग्वेज। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा लैंग्वेज को कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो अभी इस वीडियो में हम करेंगे थोड़ा सा और इलाबोरेट लैंग्वेज को और उसके बाद हम मैगजीन्स को डिस्कस करेंगे। मैगजीन्स क्या होते हैं? जो सूत्र होते हैं कि लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जा सकता है, तो उन सूत्रों को हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज, हमें पता है कि इट इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड कैन कन्वे द मैसेजेस टू अदर्स एंड ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड ऑफ अदर्स, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि टीचिंग जो है हमारी लैंग्वेज की, उसमें हमारे पास क्या है। सेकंड लैंग्वेज को हम यहाँ टीच करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मदर टंग तो हम पहले बात कर चुके हैं। नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो है मदर टंग को किस तरीके से ग्रेस्प किया जाता है, ठीक है, उससे पहले एक्विजिशनल लर्निंग को हम समझ चुके हैं, तो उसमें हम मदर टंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं द टीचिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एंड दैट इज इंग्लिश इन आर पर्टिकुलर वीडियो। तो इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। यस, फर्स्ट तो हमारे पास जो है मदर टंग रहती है, चाहे वो हम किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो रहती है वो हिंदी रहती है हमारी, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज जो रहती है वो इंडिया में इंग्लिश रहती है। तो देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, अप्रोक्स 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। वैसे तो ये डाटा आपसे करेक्टली पूछा नहीं जाता है कि हाउ मेनी डायलैक्ट्स एंड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया पर्टिकुलरली, बट यू शुड नो दिस इज अ यू नो जनरल क्वेश्चन फॉर यू, जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। 1600 लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया एंड डायलैक्ट्स ऑल्सो। डायलैक्ट्स जो होती है वो बोली होती है, ठीक है, ये भाषा होती है लैंग्वेज, ये 1600 से भी ज्यादा है। अब आप अगर मानकर चलेंगे तो हमें कितनी आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितनी कितनी लैंग्वेजेस या कितने डायलैक्ट्स आपको पता है एक्चुअली। तो इन सब को मिला करके हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं इनके। तो वी कैन डिवाइड दीज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज एंड दीज फोर आर वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो क्या है, इंडो यूरोपियन, मोस्ट ऑफ विच बिलोंग टू इट्स सब ब्रांच इंडो आर्यन, यानी कि ये हमारे पास इंडो आर्यन जो कम्युनिटी है वो इसके अंदर बिलोंग करती है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और सब तरह की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। जो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली हम प्रेफर करते हैं वो लैंग्वेजेस आती हैं इंडो यूरोपियन में। देन आती है द्रविडियन, और द्रविड जो रहता है वो हमारा साउथ का पार्ट रहता है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, इस तरह की लैंग्वेज हमारे पास रहेंगी। आफ्टर दैट कम्स ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये हमारे पास सेंट्रल एशिया जो है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, तो वो तिब्बतन जो पार्ट है, उस तिब्बतन के अलावा जो पार्ट रहता है सेंट्रल एशिया का, वो हमारे पास इसमें रहेगा। और सिनो तिब्बतन में हमारे पास क्या रहता है, लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जो हमारी इंडिया की जो ये एक कान कह सकते हो कि जो बना हुआ है, इस कान में जो हमारे पास लैंग्वेजेस रहती हैं वो ईस्टर्न इंडिया की रहती हैं, और ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, दैट इज सिनो तिब्बतन, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं एंड इन विच कैटेगरीज दे आर डिवाइडेड। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन इट इन टूडेज वीडियो। सो दिस इज सिस्टमेटिक, सिम्बॉलिक, सोशल, आर्बिट्रेरी, डायनामिक, मीनिंगफुल, ह्यूमन एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि सिस्टमैटिक के लिए कई बार पूछा गया है, आर्बिट्रेरी के लिए पूछा गया है, डायनामिक के लिए पूछा गया है, तो आप इन वर्ड को भी अगर आप याद रख लेंगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वर्ड को आप जरूर याद रखिएगा कि लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। आफ्टर दैट कम्स योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्योंकि जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस मान के चलते हैं, फिर उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स मान के चलते हैं कि किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है ना। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगी, और वो किससे किया जा सकता है, SLRW से, या आप इसको लिख लीजिए LSRW। मैं उसको प्रेफर करती हूँ LS को, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास लिसनिंग आती है, देन स्पीकिंग आती है, देन रीडिंग एंड आफ्टर दैट राइटिंग एट द लास्ट। इट मीन्स वट वी एक्वायर आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, लाइक वाइल लिसनिंग वी एक्वायर न्यू वोकैबुलरी। जब हम सुनते हैं
है ना, किसी को भी सुन रहे होते हैं तो हम उनकी एक तो वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं कि विच टाइप ऑफ वर्ड्स द स्पीकर इज यूजिंग, एंड सेकेंड थिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से भी बोला गया है, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, एक बोल रहे हैं हम डाटा, एक बोल रहे हैं हम डेटा, अब उन दोनों में से आप बताइए कौन सा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, डेटा। तो आपकी पर्सनैलिटी आपकी प्रोनाउंसिएशन से ही झलक जाती है, आपने जैसे ही मुंह खोला वहीं से आपकी पर्सनालिटी बोलना शुरू कर देगी, ठीक है, साथ की साथ। तो इसलिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है, यू हैव टू ऐड सम न्यू वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, है ना, एंड लर्न हाउ टू स्पीक करेक्टली। इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड रिसेप्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ डू यू यू नो अक्वायर द लैंग्वेज, किस तरीके से आपने उसको एक्सेप्ट किया है, रिसेप्ट किया है। तो इन रिसेप्शन वी इंक्लूड साइलेंट रीडिंग एंड लिसनिंग, उसमें हमने क्या करना है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो जब आप एक्सप्रेस कर देते हो उसमें हमारे पास क्या आएगी, आपका आपकी रीडिंग आएगी क्योंकि वो दूसरों को सुन रही है, ठीक है, आपकी राइटिंग आएगी क्योंकि वो दूसरों को दिख रही है। एक होता है रिसेप्शन, आप ले किस तरीके से रहे हैं चीज को, तो कब लेंगे आप, जब किसी को सुनेंगे, है ना, आप क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। ओके, एक क्या होता है साइलेंट रीडिंग होती है, जब आप उसको सिर्फ अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक आउट, बाहर की तरफ नहीं बोल रहे हैं आप। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक होता है रिसेप्शन, एक होता है एक्सप्रेशन। तो क्या हुआ, रिसेप्शन इन विच वी इंक्लूड साइलेंट रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यूज करते हैं उसके अंदर हम, एक तो साइलेंट रीडिंग यूज करते हैं, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ सो दैट इट शुड बी हाईलाइटेड टू यू, दिस इज योर साइलेंट रीडिंग इन रिसेप्शन एंड सेकेंड थिंग इज योर लिसनिंग, क्लियर। बट आफ्टर दैट कम्स योर एक्सप्रेशन, आफ्टर रिसेप्शन कम्स एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में आप क्या करते हो, आइडियाज को, थॉट्स को बाहर निकालते हो ना, तो करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी एंड दिस इज इंक्लूड योर लाउड रीडिंग, यस लाउड रीडिंग रहेगी इसके अंदर, स्पीकिंग रहेगी आपकी और आपकी राइटिंग इंक्लूड हो जाएगी। तो चार ही पार्ट तो हमने किए थे, क्या क्या था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आपकी लिसनिंग, ठीक है, ये किस में आ रही है, ये आपके रिसेप्शन में आ रही है, किसमें आ रही है, रिसेप्शन में आ रही है, बाकी जो आपकी स्पीकिंग रहेगी, रीडिंग रहेगी और राइटिंग रहेगी, वो आपकी किसमें चली जाएगी, एक्सप्रेशन में चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें भी थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो रीडिंग को कर सकते हो, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइलेंट रीडिंग आ जाएगी, एक आपके पास लाउड रीडिंग आ जाएगी। और जब साइलेंट की बात करते हैं तो वो रिसेप्शन में चली गई आपकी, और लाउड की बात करते हैं तो वो एक्सप्रेशन में चली गई आपकी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको रिसेप्शन और एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं पता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन इट अर्लियर। ओके, चलिए, हियर द स्टूडेंट इज कैपेबल टू, अब रिसेप्शन भी हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया, अब स्टूडेंट को मिला क्या, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, हमें पता होना चाहिए कि इन सब चीजों से स्टूडेंट को मिलने वाला क्या है, मिलने वाला क्या है भाई, सेंटेंस मिले हैं उसको, सिंपल सेंटेंसेस, ही इज कैपेबल टू मेक स्पीक विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अच्छे से बोलना आया उसे, राइट इंग्लिश यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कैपिटल विद करेक्ट स्पेलिंग्स, ओके, एक्वायर रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग, रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इंग्लिश वेन स्पोकन एंड एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ सुन भी पा रहा है, अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है, स्पीक भी कर पा रहा है, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव टू टीच एनी लैंग्वेज टू अ स्टूडेंट। सो वी ही शुड नो अ गुड अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, किसी भी लैंग्वेज को रिच बनाना है तो वोकैबुलरी रिच बनाती है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है, एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम एंड ही शुड बी एबल टू यूज रिसोर्स मटीरियल लाइक डिक्शनरीज, रेफरेंस बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो रिसोर्सेज यूज करना सीख जाता है ना, और जब रिसोर्सेज यूज करना सीख जाएगा तो इट मीन्स ही इज यूजिंग His own mind, वहां पे अपना खुद का माइंड यूज कर रहा है और उसी के तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट भी कर पा रहा है। सेकेंड हमारा पास ऑब्जेक्टिव आता है प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है ये, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग, इट मीन्स टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, इंगेज इन थॉटफुल डिस्कशन, यानी कि यू जस्ट थिंक इन इंग्लिश, ऐसा नहीं कि पहले आप इंग्लिश हिंदी बनाइए उसके बाद इंग्लिश हिंदी को उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, एबिलिटी टू इवेल्युएट इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही इंटरप्रेट कीजिए, इंग्लिश में ही इवेल्युएट कीजिए, इंगेज इन थॉटफुल डिस्कशन एंड एक्सप्रेस दियर व्यू पॉइंट्स विद क्लैरिटी एंड कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, ठीक है, बिखरी हुई चीजें ना लगे,
जुड़ाव सा महसूस हो, जो भी आप बोल रहे हैं. द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्रिएटिवली थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग सच एज स्टोरीज, पोएम्स, एसेज एंड प्रेजेंटेशंस, फॉस्टरिंग देयर लिंग्विस्टिक एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बातें, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, उनके लिंग्विस्टिक को भी फॉस्टर करती है वो, आर्टिस्टिक एबिलिटी को फॉस्टर करती है वो. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस व्हाट टीचिंग. ओके, लैंग्वेज लिटरेरी डेवलपमेंट आती है उसके अंदर. एक तो हमारे पास यही हो गया कि वोकैबुलरी सीखा और सीखा, लेकिन हाउ टू राइट इन अ क्रिएटिव वे, वो हमारे पास क्या होती है, लिटरेरी डेवलपमेंट होती है. उसमें हम पर्टिकुलर लैंग्वेज की ही बात करते हैं, ग्रामेटिक रूल्स की बात नहीं करते हैं. उसमें हमारी और सारी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे लिटरेरी डिवाइसेज हैं. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिटरेरी डिवाइसेज हैं, इंटोनेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये सब ऐड हो जाती हैं भाई. अब आप पोम लिख रहे हैं, आप किसी कोई एक एक मोहतरमा है जिस जो बहुत अच्छी दिख रही है, तो आपने सीधा जाके बोला कि मोहतरमा आप बहुत सुंदर है, ये तो हमारे पास एक सिंपल सा ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, फाइन. लेकिन अगर हम उनको ये कहते हैं यू लुक लाइक अ मून, ओके, बस वहीं पे ही मतलब आपकी एक लिटरेरी जो है अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाती है, लिटरेरी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. वहां पे आप उस लड़की को क्या कह रहे हो, यू लुक लाइक अ मून, तो वहां पे वो मून की जितनी भी खूबियां हमारे लिटरेचर में या हमारी पोम्स में हम बताते होते हैं, वो सारी की सारी उसके साथ रिलेट कराई जा सकती है. तो ये सब चीजें हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज करना, इंटोनेशन, कहाँ टोन हाई होनी चाहिए, कहाँ लो होनी चाहिए, वो सब. देन अब आती है बात की प्रॉब्लम्स क्या रहती है लैंग्वेज टीचिंग के लिए, स्पेशली इंग्लिश में, कि एक तो मदर टंग इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है ना, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स. मैं तो यहाँ पे यही चीज बोलूंगी कि द टीचर्स यूज मदर टंग इन देयर क्लासरूम्स, दैट्स व्हाई दे आर लैक क्वालिफाइड, दे आर लेस एफिशियंट टू डिलीवर देयर स्पीच, टू डिलीवर देयर थॉट्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज इन इंग्लिश, है ना. तो अब उसमें क्या हुआ कि अगर उनको थोड़ा पढ़ा लिखे हो, थोड़ा सा डिग्री होल्डर्स होते हैं, सारी चीजें हमने सीखी हुई होती हैं, तो हम उस चीज को और अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं और क्लास में भी एक इंग्लिश का माहौल बना सकते हैं. लिमिटेड टीचिंग मटेरियल्स, सारी चीजें हमें नहीं मिलती हैं. जैसे कि आप अगर अभी कॉलेजेस में भी जाकर के देखेंगे तो आप फंक्शनल इंग्लिश ले रहे हैं और फंक्शनल इंग्लिश के अंदर भी आपको वो सारी तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती हैं अभी तक भी. तो वो लैक ऑफ मटेरियल्स हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, स्कूल्स के अंदर भी होता है ये सब, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, आपको किस कहाँ से कौन सा वर्ड जो है प्रोनाउंस हो रहा है, ये सब चीजें आपको नहीं सिखाई जाती. ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है टीचर्स के पास. नो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, नॉट अ टोल, है ना. बहुत सारे स्कूल्स तो इसी बेस पे चल रहे हैं कि मदर टंग के भरोसे चल रहे हैं, राम श्याम के भरोसे, एंड लैक ऑफ वोकैबुलरी. सिलेबस वेरिएशन, सिलेबस जो है इस तरीके का है कि बच्चे के उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता है समटाइम्स, है ना, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो वो सब चीजें अफेक्ट करती हैं, लैंग्वेज बैरियर बनती हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इन ओवर क्राउडेड क्लास, एक क्लास में होने चाहिए 24 स्टूडेंट्स और उसमें 40-40 स्टूडेंट्स भरे होते हैं, तो देर विल बी नो फोकस ऑन ई चाइल्ड. तो उस वजह से दे ऑल्सो फेस दोज प्रॉब्लम्स कि दे आर नॉट एबल टू लर्न थरली. अब इनका सोल्यूशंस क्या हो, जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशंस तो हमारे पास है ना. ठीक है, तो अब उसके तरीके से हम क्या करेंगे कि लेस यूज ऑफ मदर टंग इन आर क्लासेस, ओके, और क्वालिफाइड टीचर, एफिशिएंट टीचर्स को हायर कीजिए, ओके, और टीचिंग मटेरियल्स को यूज कीजिए, क्रिएट अ स्पीकिंग इन्वायरमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट इन योर क्लास, ओके. सिलेबस जो है एक स्पेसिफाइड सिलेबस होना चाहिए फॉर स्पेसिफाइड चाइल्ड, ओके. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स यू शुड कीप सम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास सो दैट द अटेंशन कैन बी गिवन टू एवरी चाइल्ड. तो यही इनके अपोजिट कर दीजिए, वही इनका सोल्यूशन है. बाकी क्या लिखा है कि एजुकेशनल कॉम्पिटिशन इन द क्लास रूम, यस, ये होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन क्रिएट करने चाहिए, यूजिंग मल्टीपीडिया, मल्टीमीडिया यूज कीजिए, गुड सिलेबस डिजाइन कीजिए, कॉन्वर्सेशन सेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में. ठीक है, गेम्स के थ्रू टीच कीजिए उन्हें, वो इंटरेस्टिंग भी रहेगा और लाइफ में वो रिलेट करा करके पढ़ सकेंगे. जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी किया था एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी किया था, जिस तरीके से मैनेजिंग द रूल्स ऑफ क्लासरूम एंड टाइम टेबल एंड अरेंज मोटिवेशनल सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये सब इनके सॉल्यूशंस हैं, ये आप फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश इन अ इजियर वे.
Now we will discuss about maxims of teaching English. These are very, very, very important, and you have to keep these in your mind too. सबसे पहले हमारे पास है from known to unknown, है ना? कुछ चीजें जो उनको पता है, उन चीजों से आप start कीजिए. आप सीधा अगर आप जाकर के कहते हैं कि adjective ये होता है, adjective वो होता है, adjective को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बच्चा डर जाता है एकदम से. आप उनको पहले पूछिए, बेटा ये रेड कलर है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं. आपका फेवरेट फ्रूट फूड कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा इंगेज कीजिए. उसके बाद बताइए कि ये जो मैंने अभी बात किया, रेड कलर है और कलर है, ये सब क्या है, ये आपके एडजेक्टिव हैं. तो इसलिए पहले नॉन यानी कि प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उनको टीच करने की कोशिश करें, तब आप उनको जो है नया कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं वो समझ भी आने लगता है. तो क्या है इसके अंदर कि व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इनटू स्कूल ही और शी पोसेस सम नॉलेज एंड इट इज ड्यूटी ऑफ टीचर टू एनलार्ज हिज प्रीवियस नॉलेज. ऐसा तो है नहीं है कि ब्लैंक स्लेट की तरह वो आती हैं स्कूल में, है ना? आजकल की तो मम्मियां बड़ी एक्टिव हैं भाई, वो तो बहुत कुछ सिखा करके भेज देती हैं अपने बच्चों को. जब वो प्रैप में भी जाते हैं तब, है ना, बिल्कुल प्ले स्कूल में भी जाते हैं ना, तब भी उनको 1 to 20 काउंटिंग आ रही होती है. तो आप ये मान के चलिएगा कि स्टूडेंट को कुछ नॉलेज है प्रीवियस, है ना, तो उसी को ही आप क्या कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो. एंड वट एवर ही पोसेसेस शुड बी लिंक्ड विद द न्यू नॉलेज. और जो प्रीवियस नॉलेज है उसी को ही हम क्या करेंगे, न्यू नॉलेज के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. इफ वी लिंक न्यू नॉलेज विद द ओल्ड नॉलेज आर टीचिंग बिकम्स क्लियरर एंड मोर डेफिनेट. समझ गए? देन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल से आप थोड़े से उलझन की तरफ लेकर जाइए उनको, यानी उलझन का मतलब क्या है, थोड़े कठिन कठिनता की तरफ, जटिलता की तरफ लेकर जाइए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू टीचर एंड द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न समथिंग, है ना? क्या होना चाहिए कि लर्नर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. इन दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सिंपल और इजी थिंग्स शुड बी फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स, ताकि उनको कंफर्टेबल फील कराया जा सके. अगर आप थोड़ा इजी लेकर के चल रहे हैं, देन ग्रेजुअली उसके अंदर थोड़ी हार्ड हार्ड चीजें जो है इंक्लूड करते जाइए. कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट थिंग्स है, तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज को थोड़ा सा जल्दी ग्रैप करने के लिए. द प्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मटीरियल मेक्स द लर्नर्स इंटरेस्टेड, कॉन्फिडेंट एंड फील एनकरेज्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यहाँ तक समझ आया है सबको कि अगर आप कंफर्टेबल है ना तभी आप उस चीज को सुनेंगे. आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे. खुद से भी लेकर चलिए ना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो क्यों देख रहा है, उसको एग्जाम पास करना है, वो टीचर बनने जा रहा है, चाहे वो केवीएस में है, चाहे वो किसी का टैट दे रहा है, DSSS भी दे रहा है, कोई भी दे रहा है एग्जाम, तो उसमें आपको क्या करना है, आप टीचर बन रहे हो तो एज ए पहले स्टूडेंट खुद को भी तो उस प्लेस पर रखकर देखिए ना, कि अगर आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है ओनली देन यू विल बी इन्वॉल्व्ड, यू विल बी इंगेज्ड, है ना? अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी नहीं है तो आपको क्या है, जाने दे सर के ऊपर से, मैं तो नहीं सुनता, है ना? सो जस्ट बी अ चाइल्ड टू टीच अ चाइल्ड. देन हमारे पास आता है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. कंक्रीट थिंग्स यानी कि जो सॉलिड थिंग्स होती हैं एंड दे कैन बी विजुअलाइज्ड, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर ओनली इमेजिनेटिव थिंग्स. अब मैं ये कहूं कि एक गुड़िया थी, एक गुड़िया थी, एक गुड़िया थी, और लेकिन उस बच्चे को इमेज ही नहीं बन पा रही है कि एक गुड़िया थी, आप क्या कीजिए, एक गुड़िया ही ले आइए क्लास के अंदर. ठीक है, आप एक गुड़िया ले आए हैं क्लास के अंदर, उसके बारे में आपको कोई स्टोरी सुनानी है तो आप सुनाइए, फिर उसके बाद जो है इंटरेस्टिंग लगेगी वो स्टोरी उनको. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंक्रीट चीज दिखाई उनको. ठीक है, उस कंक्रीट चीज के साथ मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी को रिलेट कराया, वो स्टोरी उस बच्चे को हमेशा के लिए याद रहेगी. समझ आया सबको? तो इसलिए इसने बोला है कि कंक्रीट थिंग्स होती हैं, सॉलिड थिंग्स होती हैं, कुछ भी आप लेकर के आ सकते हैं. आप कहेंगे कि ग्लोब होता है जिसपे अर्थ का पिक्चर होता है पूरा का पूरा, वैसे ही अर्थ होती है, नहीं समझ में आएगा जब तक आप उनको ग्लोब नहीं दिखाएंगे, है ना? तो इसलिए बोला है कि जो भी सॉलिड थिंग्स हैं दैट शुड बी देयर बिकॉज दे आर इन विजुअलाइज्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट यू कैन कनेक्ट देम विद इमेजिनेटिव थिंग्स. The child understands more easily when taught through their senses and never forget that material. है ना? उनकी sense के साथ उनको relate कराइए. देखते हैं वो, सुनते हैं, ठीक है, feel करते हैं, taste करते हैं, ठीक है, सूंघते हैं, तो वो चीजें उनको जल्दी catch कर पाते हैं. On the other hand, if abstract things or ideas are presented, they forget it soon. जल्दी भूल जाएंगे. From particular to general, ठीक है, particular यानी कि पहले आप उनको
पर्टिकुलर चीजें बताइए, उसके बाद उनको जनरलाइज कीजिए. अ टीचर शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल स्टेटमेंट्स. जनरल फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब मैंने कहा कि द वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, आप उसको क्या करें, एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए. एक थर्मामीटर लीजिए वहां पे, ठीक है, जो लैब का थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, उसको लीजिए. आप उसको दिखाइए उसको, बच्चे को वो हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है, उसको करके दिखाइए. तो पर्टिकुलर टू जनरल जाता है कि जनरल फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो जल्दी से याद नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर थिंग्स को प्रेजेंट कीजिए एंड देन लीड टू जनरल थिंग्स. चलिए, आफ्टर दैट फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी सेम कि आप क्या कर रहे हैं, पहले कुछ रूल बता रहे हैं, रूल्स के बाद जो है आप उसको इलेबोरेट कर रहे हैं. पहले इलेबोरेट कर देंगे फिर रूल बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा. द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग जनरल लॉज, रूल्स और फॉर्मूला फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना. कुछ एग्जाम्पल आपने दिए, उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं आप, उसके जनरलाइज कर रहे हैं, डिडक्शन कर रहे हैं, तो वो ईजी रहेगा. In it, if a statement is true in a specific situation, it will also be true in other similar situation. है ना, a plus b is equal to 13 है. मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स में लेके चलू, है ना. तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि मैंने ये चीज बोला कि a plus b is equal to क्या है, यहां लिखेंगे, यहां a plus b is equal to 13 है. तो आप उसको करके बताइए वहां पे कि अगर हम यहाँ 6 ले रहे हैं, यहाँ 7 ले रहे हैं, तो भी 13 आ रहा है, ठीक है. यहाँ 7 ले रहे हैं, यहाँ 6 ले रहे हैं, तो भी 13 आ रहा है. किस केस में जा रहा है ये, वो देखना पड़ता है हमें, ठीक है. ये ले रहे हो तब भी 13 आ रहा है. तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि एक फॉर्मूला हमने लिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 13 होता है. या फिर आप वो ले सकते हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. या फिर आप सब्जेक्ट प्लस, आप इंग्लिश से, हाँ मैं तो इंग्लिश का ही करा रही हूँ ना, तो उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो उसमें आप पुट कीजिए. ही शी इट को पुट कर सकता है, वर्ब कुछ भी ले सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकता है. तो आप उसमें क्या करा उसने कि एक फॉर्मूला लिया, एक सिचुएशन ली, और उसी सिचुएशन में बाकी चीजों को पुट करना शुरू कर दिया. इट मीन्स ड्रॉइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ एग्जाम्पल्स. फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ये फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस मेक लर्निंग मोर विविड, है ना, मोर इंपॉर्टेंट एंड एफिशियंट देन टू गिव देम रिप्रेजेंटेटिव वंस. अ टीचर व्हाइल सिलेक्टिंग द कंटेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन शुड मेक ऑल एफर्ट्स पॉसिबल टू प्रेजेंट इट थ्रू एक्चुअल नेचुरल और रियल ऑब्जेक्ट्स. देन फ्रॉम देयर इम्पोवरिश्ड रिप्रेजेंटेटिव वंस लाइक पिक्चर्स, मॉडल एटसेट्रा. यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक आपको एक्चुअल चीज जो अगर दिखाते हो, आप बच्चे को प्रेजेंट करते हो, तो उस प्रेजेंट से आपको कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे बच्चों के साथ. जो हमने पहले किया था ना कि वो एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं या फिर कंक्रीट जो चीजें हैं, बिल्कुल थोड़ा उस जैसा ही आप इसको मान करके चल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग. तो इसने क्या बोला है यहाँ पे कि एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव आप लेकर चलिए इनको, है ना. While selecting the content for representation, should make all efforts possible to make it through actual, natural, real objects. Okay? Then whole to part, very, very important. पहले आप उसको पूरी एक समरी बताइए, फिर उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में लेकर चाहिए ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए. तो दिस मैगजीन इज द ऑफ शूट ऑफ गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, हुज मेन एम्फसिस ऑन टू प्रसीव थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एज होल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स. Whole is more understandable, motivating and effective than the parts. पहले जैसे कि मैंने अगर आपको ये चीज बताऊं, अब मैं थोड़ा सा साइंस में इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहूं आपको कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ यू नो टाइनी पार्टिकल्स. तो मैंने ये बोला, लेकिन मैं उसमें पहले से ही एक सॉलिड को ले लूं, फिर मैं गैसियस को ले लूं, फिर मैं लिक्विड को ले लूं, पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूं फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी बताऊं, तो वो गलत है. तो पहले मैं उसमें क्या करूंगी, पहले प्रॉपर्टी बताऊंगी, पहले होल बताऊंगी कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल थिंग. ठीक है, पहले मैं उसका होल लेकर चल रही हूँ. ठीक है, पहले मैं समरी लेके चली. आप नोवेल ले लीजिए, नोवल ले लिया आपने, नोवल में आपने क्या किया, सबसे पहले उसकी पूरी स्टोरी बता दी आपने, उसकी समरी बता दी. आप उस समरी के बाद उसको क्या करते हो, नोवल के जो भी हमारे पास पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं 5 पार्ट हैं, आप एक एक पार्ट जो है उनको एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, उस पार्ट में फिर उनका इंटरेस्ट बैठेगा कि हाँ अब यहाँ पे ये बात आई थी, वो उसके साथ रिलेट करा लेंगे. फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप आया था वो इसमें आया था, अच्छा ये वाला पार्ट ये वाला. तो इस तरीके से आप क्या करते हो, होल से पार्ट की तरफ उनको लेकर के चलते हो. ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ मैगजीन्स जिसको आप अडोप्ट कर सकते हैं वाइल टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश है या आपकी और अदर कोई मदर टंग है, मदर टंग के अलावा कोई भी लैंग्वेज है जो सेकेंड लैंग्वेज है, वो आप उसको टीच कर सकते हैं. तो ये मैगजीन्स आप याद रखेंगे, फ्रॉम होल टू पार्ट्स. ठीक है, फ्रॉम
एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, इंडक्शन टू डिडक्शन, पर्टिकुलर टू जनरल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नॉन टू अननोन. आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे. कुछ नहीं समझ आता है, कहाँ कहीं पे कंफ्यूजन लगती है, तो यू कैन कॉमेंट, है ना, अगर कॉमेंट बॉक्स में आप डालते हैं देन आई रिप्लाई टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग अस. कहीं आपको अच्छी लगती हैं कुछ वीडियोज तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.